नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। मैं किरण ग्रोवर आज आपसे चर्चा करना चाहूंगी नंबर 2 के बारे में, यानी कि आने वाले साल के अंदर, नए साल के अंदर 2022 में जिन लोगों का बर्थ 2 तारीख को है, 11 को है, या उनका बर्थ जो है 20 तारीख को है, या 29 का अगर वो बर्थ है, तो वो उनके लिए मैं आज जो है कुछ सजेशंस या कुछ प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, जिसको कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और इसको आप इंप्लीमेंट करिए इस आने वाले साल में। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जिनका कर्क लगन या कर्क राशि है उनके लिए भी ये मूलांक जो है तो उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि आप मेरे, अगर आपको मेरे प्रेडिक्शंस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना शेयर हो सके उतना करिए। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। जैसा कि आपको मालूम है न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का कारक है, यानी कि नंबर 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मून। और मून का क्या काम है? मून जो है वो क्या है, फुल ऑफ इमोशंस है। जिनका मूलांक 2 है ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत इमोशनल होंगे और बहुत उनको एंजाइटी या कुछ स्ट्रेस में रहेंगे थोड़ा सा, और इमोशंस उनके हाई होंगे, यानी कि उनकी इमोशनल एनर्जी हाई हो जाएगी। और ऐसे लोग जब सोचेंगे बहुत, तो क्या क्या सजेशन है इसके लिए? इसके लिए सजेशन है कि आपको सोचना नहीं है, आपको उस काम को करना है। अगर हम बात करें आपके कैरियर की, तो कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन है कि जो भी काम आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको आपने इमीडिएट ग्रैब करना है, आपको इमीडिएट एक्शन मोड में आना है। इसी तरह से अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ के लिए 2022 का साल आप सबके लिए जिनका नंबर मूलांक 2 है सभी के लिए अच्छा है। कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट आपको एक्शन में रहना है और सोचना नहीं है, यही एक मेन जो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। और इसके अलावा इसके कुछ नेगेटिव शेड्स भी हो सकते हैं कि किसी के अगर लोशो ग्रिड में मान लीजिए 2 का नंबर ऑलरेडी ज्यादा बार है और 2022 का साल आ गया, तो वहां पे कुछ उसको मतलब एंजाइटी के इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसे इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो उसके लिए आपको अगर पहले से ही मालूम होगा तो आप अपनी विल पावर को बढ़ाइए, सूर्य को आप जल दीजिए और आप अपने लाइफ को बहुत आगे लेके जाएंगे। और इसी नए साल के, आने वाले नए साल के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।